कोरोना संकट के चलते 17 मई तक देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन और संकट के दौर में पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की टीम प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लोगों की मदद के लिए सामने आ रही है। साथ ही टीम के सदस्य कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। पीलीभीत में पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एसपी अभिषेक दीक्षित और उनकी पत्नी भावना दीक्षित के नेतृत्व में थ्री लेयर मास्क तैयार किए जा रहे हैं। इस अभियान में पुलिस परिवारों की तकरीबन 250 महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके लिए महिला कल्याण केंद्र का निर्माण किया गया है। इस केंद्र से मजदूरों को राशन वितरण का भी काम किया जा रहा है। इस मौके पर लाइव 24 के संवाददाता ने पीलीभीत के एसपी अभिषेक दीक्षित से खास बातचीत की। आज हमारी टीम पहुंची है लाइव 24 की पीलीभीत और मिलते हैं पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक दीक्षित जी से। कोरोना के विषय में जानते हैं कि पुलिस की क्या अहम भूमिका रही है। सर, स्वागत है आपका लाइव 24 न्यूज में। धन्यवाद। जहां तक कोरोना संक्रमण दौर का सवाल है तो इसमें पुलिस की बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव भूमिका लगातार देखने को मिली है। सारे पुलिसकर्मी जनता पीलीभीत के उन्होंने बड़ी मेहनत से अब तक काम किया है और लॉकडाउन का ये फेज 3 अब हमारे सामने है। पहले दोनों चरणों में पुलिस ने लगातार बहुत मेहनत करी है और सबसे पहला जो पुलिस की ड्यूटी है वो लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना। जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं उन पर सख्ती रखना और देखना कि इनलीगल ढंग से कोई भी इस बॉर्डर को पार करके जनपद पीलीभीत में ना आ सके, इस तरह की ड्यूटी हमारे सामने रही। लगातार पुलिस फोर्स सड़कों पर रही है और निरंतर अपनी ड्यूटी निभाती रही है। अब फेज 3 में भी हमारा प्रयास यही होगा कि जो तमाम चुनौतियां जो पहले दो चरणों में जिन चुनौतियों से हम गुजरे हैं उन चुनौतियों को पार करते हुए इस फेज में भी पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी से करे। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि जहां एक और पुलिस जनता को संक्रमण से बचाने का काम लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराकर कर रही है, उसी तरह पुलिस फोर्स को भी संक्रमण से बचना है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि स्वयं को भी बचाकर रखें। सर, आपने योजना चलाई कि कोई भूखा ना रह जाए, उसके तहत पुलिस का कितना योगदान रहा? जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई पहले चरण में तो देखा गया कि तमाम ऐसे लोग जो रोजमर्रा की कमाई पर आश्रित हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेला रिक्शा चलाने वाले हैं या अन्य लोगों पर आश्रित हैं, तो उनके सामने समस्या पैदा हुई खाने की। उस समय पुलिस पूरी पुलिस फोर्स जनता पीलीभीत के सामने आई और हर थाने की मेस में, पुलिस लाइन की मेस में निरंतर भोजन बनता रहा। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि जनपद पीलीभीत में ऐसा कोई भी व्यक्ति न रहे जिसे भूखा सोना पड़े, भूखा रहना पड़े। इंसान के साथ साथ बेजुबान पशुओं का भी हमने पूरा ध्यान रखा। वो पशु जो किसी और पर आश्रित थे अपने खाने के लिए, जिनको आहार मुहैया नहीं हो पा रहा था ठीक से, हमारा निरंतर ये प्रयास रहा कि इस पूरे जनपद में जो भी ऐसे बेजुबान पशु हैं उनके आहार की व्यवस्था की जाए। इसमें पूरी पुलिस फोर्स ने लगातार मेहनत की शुरुआत में, उसके बाद तमाम चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई। शुरू में हमारी कॉल 112 यानी जो पीआरवी की गाड़ियां थी वो भी इस काम में लगी थी। समयबद्ध तरीके से हमने उनको इस काम से हटाकर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में, लॉकडाउन के पालन की ड्यूटी में लगाया। फिर ये काम अलग अलग ढंग से चलता रहा। हमने एक ऐप भी लोगों के बीच हम लेकर आए हैं आहार नाम से। इस ऐप में वो सारा डेटाबेस है जिसके माध्यम से हमें ये पता चल सकता है कि कहाँ कौन भूखा है या कहाँ किसको राशन की आवश्यकता है, और चाहे पुलिस कर्मी के माध्यम से चाहे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको थ्रू पुलिसकर्मी हम भोजन मुहैया कराते हैं ऐसे सभी लोगों को। तो मैं हमारा एकमात्र उद्देश्य है जनपद पीलीभीत बीच में कोई भी ऐसा न हो जो भूखा रह जाए। पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है कोरोना को लेकर? कोरोना को लेकर हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और जनता से और पुलिस कर्मियों से बार बार हमारी यानी मेरी भी ये अपील रही है कि स्वयं को संक्रमण से बचा कर रखें। जनता भी संक्रमण से बच के रहे, पुलिस कर्मी भी संक्रमण से बच के रहे। जनपद पीलीभीत में शुरुआत में जो दो केस हुए थे बाद में वो नेगेटिव हो गए, एक बार भी ऐसा लगा और लोगों ने कहा कि ये कोरोना मुक्त हो गया है। उस समय भी मैंने सचेत किया था सबको कि कोरोना मुक्त जैसी कोई चीज नहीं है, संक्रमण का खतरा लगातार सब पर है। जब तक पूरे देश में कोई एक भी संक्रमित व्यक्ति बचता है तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। तो हमारी पुलिस आज भी पूरी तरह मुस्तैद है संक्रमण को लेकर।